शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूपा जी, बात करें यहां से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशों के अंदर काफी शानदार बढ़त बनती नजर आई है। यूएस सोयाबीन वायदा $1,600 के ऊपर जा चुका है। कल के कारोबारी सत्र की बात करें तो कल के कारोबारी सत्र में यही सोयाबीन वायदा यूएस सोयाबीन फ्यूचर $1,570 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, यानी कि लगभग $35 से $40 की जो बढ़त है वो एक ही दिन के अंदर बनती नजर आई है। घरेलू वायदा की बात करें तो NCDX पर भी सोयाबीन दो दिन पहले 6750 तक जाती नजर आई थी और आज देख रहे हैं 6620 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, आपका क्या मानना है, जिस तरह से ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं और उत्पादन अनुमान में लगातार कटौती की जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, इसी बीच भारत में घरेलू में वायदा में और हाजिर में सोयाबीन की कीमतें आगे क्या रह सकती है, कितनी मंदी तेजी दिखला सकती है सोयाबीन? देखिए, सोयाबीन की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है विदेशी बाजारों में और 35 महीने के अपने हाई पर पहुंच चुका है मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से बाजारों में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। और अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी तेजी नहीं आई है जितनी विदेशी बाजारों में देखने को मिली है। सस्टेनेबल हो रहा है मार्केट ऊपरी स्तरों पर, और यहाँ से अब जो 6600-6700 का हमने सोयाबीन का स्तर देखा है ये अब 6800 तक मैक्सिमम और 7000 तक की तेजी फिलहाल पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में बाइंग की तरफ रहा जा सकता है, लेकिन छोटी मोटी खरीदारी की जा सकती है करेक्शन आने पर। 6800 तक का इमीडिएट टारगेट हम देख सकते हैं, 6800 के बाद 7000 का टारगेट इसमें लिया जा सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से विदेशों में जो तेजी बनती नजर आ रही है उसका असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सेबी ने जो बैन लगाया था कि इंट्राडे में पोजीशन नहीं बना सकते हैं, उसकी वजह से जो थोड़ी जो पार्टिसिपेशन है सोयाबीन में वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि सरसों मंडियों में आ चुकी है नई सरसों और सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो तस का मस बना हुआ है, ऐसी एज इट इज़ बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जब भी नई सरसों की आवकें आती हैं तो सोयाबीन का वायदा बाजार और हाजिर में जो कीमतें हैं वो लुढ़क जाती हैं, लेकिन इस बार उल्टा होता नज़र आ रहा है। इस बार जो कीमतें हैं वो मंदी की जाने की बजाय तेजी की ओर जाती नजर आएंगी, ऐसा भी जानकारों का मानना है। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।